हेलो फ्रेंड्स, मैं गीता। आज मैं हिबिस्कस प्लांट की रिपोर्ट कर रही हूँ, तो चलिए देखते हैं कैसे खाद डालनी है इसमें। तो मैं पहले दिखा देती हूँ, ये मिट्टी बनाई हुई है मेरी 1 महीना पहले की। ये मिट्टी हिबिस्कस प्लांट के लिए ही है, क्योंकि मैं कुछ दिन पहले हिबिस्कस प्लांट एक लगाई थी तो मिट्टी बच गई थी, तो मैं खाद मिला के रख दी थी। और ये मिक्स खाद है, इसमें मैं थोड़ी सी इसमें से आप लोगों को डाल के दिखाऊँगी, क्योंकि यही खाद डाल के मैं ये मिट्टी तैयार की थी। तो इसमें है हॉर्न मिल, बोन मिल, नीम खली, थोड़ी सी सरसों खली, थोड़ी मात्रा में सरसों की खली, और इसमें है थोड़ी सी साफ फंगीसाइड। यही 4-5 चीज़ मिला के एक साथ मिक्स खाद बना के रख देती हूँ मैं। और करीब करीब सारे प्लांट में मैं इसी खाद को डालती हूँ, मिक्स खाद को। तो आधा डाल के दिखाऊँगी आप लोगों को। और ये देखिए पत्थर है, छोटे छोटे जो कंकड़ होते हैं वही है, ये नीचे डाल देनी है पॉट में करीब 1.5 से 2 इंच तक। तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच तक डाल रही हूँ, क्योंकि पॉट छोटी है। और इसमें आप रेत और पत्थर दोनों मिला के अगर भरेंगे तो और अच्छे हैं। पहले 1 इंच नीचे कंकड़ का बेड बना ले, उसके बाद 1 इंच फिर रेत का बेड बना दे, उसके बाद ही कोई मिट्टी आप इसमें डालें, पॉटिंग मीडिया। आप अगर नए नए प्लांट लगाना अभी शुरू किए हैं तो आप इसको ज़रूर सीख ले, और इसको ज़रूरी है करना, ताकि आपके प्लांट को आगे चल के सड़न ना लगे, पानी ना जम जाए, उसमें पानी अच्छे से ड्रेन होती रहे, इसीलिए ज़रूरी करना है। आप ये काम ज़रूर करें अगर पॉट में आप प्लांट लगा रहे हैं तो। रेत और पत्थर की 2 इंच की बेड जरूर आप बनाएं, उसके बाद ही कोई प्लांट लगाए। तो ये मेरे हिबिस्कस के जो प्लांट है, मैं खोल के आप लोगों को दिखा रही हूँ निकाल के। इसकी मिट्टी इतनी ख़राब है, और ये जो मैं पॉट दिखा रही हूँ उसके नीचे देखिए, ऐसे ही बहुत ज़्यादा से ज़्यादा होल होने चाहिए, ताकि पानी ना जम के रहे, रुकी ना रहे बरसात में, और ज़्यादा पानी गिरे भी तो ड्रेन हो जाए। तो प्लांट का आप मिट्टी देख पा रहे होंगे, बिल्कुल ही लाल है। तो पहला बात तो ये है, लाल मिट्टी में प्लांट लगानी नहीं चाहिए, अच्छी नहीं होती है। और दूसरी बात, ये मिट्टी बिल्कुल ही चिपचिपी है, जैसे कोई आटा की गूंधा हुआ डो है, वैसे ही चिपचिपी है ये मिट्टी। तो ये ऐसी चिकनी मिट्टी और चिपचिपी मिट्टी नहीं चाहिए प्लांट के लिए, ऐसे भुरभुरी मिट्टी चाहिए। और इस ये मिट्टी जो है लाल है, इसमें तो प्लांट लगानी ही नहीं चाहिए। तो ये मिट्टी को मैं धीरे धीरे हटा देती हूँ। तो आपके पास अगर ऐसे लाल मिट्टी के प्लांट है तो आप लोग ऐसे मत हटाए जैसे मैं हटा रही हूँ, ऐसे ना हटा के आप इसको रात भर भिगो के रख दे पानी में, और सुबह धीरे से आप उठाएंगे और प्लांट को पकड़ के हिलाएंगे तो सारी मिट्टी धुल जाएगी, तो आपके प्लांट की एक भी रूट डैमेज नहीं होगी। तो मैं तो कर लेती हूँ ऐसे, आप लोग ऐसे बिल्कुल ना करें। देखिए मिट्टी बिल्कुल ही चिपचिपी है, ऐसे मिट्टी में प्लांट ग्रो करने से प्लांट अच्छे से होती नहीं है। तो मैं देखिए जो खाद बना के रखी हूँ उसी खाद में से एक मुट्ठी डाल के सिर्फ मिला के आप लोगों को दिखा रही हूँ, क्योंकि ये पहले से बनाई हुई मिट्टी है मेरी। तो मैं इसमें यही सब खाद डाली हूँ, मिक्स खाद, नीम खली डाली हूँ, ऐसे करके मिट्टी बनानी है। तो जो आप रेत और कंकर की बेड बनाए होंगे उसमें पहले थोड़ी सी मिट्टी बनाया हुआ रख दे, उसके ऊपर से प्लांट को रखे, धीरे से बीचों बीच रखे। रखने का बाद ऐसे पॉटिंग मिक्स को आप भर ले, भरने का बाद थोड़ी थपथपा दे, चाहे तो आप कोई लकड़ी के मदद से साइड साइड से इसको चाप दे, तभी भी ये टाइटली कस लेंगे। और नीचे तो पत्थर है, ड्रेनेज का कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मिट्टी को मैं हटा दे रही हूँ, ये मिट्टी मैं बिल्कुल नहीं रखूँगी, ये पॉट के लिए बिल्कुल ही अच्छी मिट्टी नहीं है, ये खेत के लिए ठीक है। अगर पॉट में हम लोग प्लांट लगाएंगे तो ऐसी मिट्टी में प्लांट बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगी। तो इतना मिट्टी मेरी बच गई है। तो देखिए मैं ऐसे प्लांट लगाती हूँ तो मिट्टी बच जाती है, तो ऐसे खाद मिला के अच्छे से मैं बांध के रख देती हूँ, सुखाती हूँ बीच बीच में, और मैं उसी मिट्टी को फिर से इस्तेमाल कर लेती हूँ। और खाद मिलाई हुई मिट्टी जो रहती है वो बहुत ही अच्छे से काम करती है, क्योंकि खाद और मिट्टी आपस में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं बहुत दिन रखने से। तो प्लांट लगा दी हूँ, इसको रूट बॉल को मैं तोड़ी थी इसलिए मैं इसको छांव में रखूँगी 6-7 दिन। तो बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।